अरे सारे गोयल, अग्रवाल, पंडित ठाकुर यही हैं, तुम्हारी सुनेगा कौन? कौन तुम्हारी तू सुनेगा? तुम क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं इस देश की राजनीति में दखल देते? क्यों इन पार्टियों के पीछे लगे हो? 35 करोड़ लोग, जब तक तुम्हारा राजनीतिक विकल्प नहीं होगा तुम्हें इसी तरह धक्के खाओगे, तुम्हारा समाज पिटेगा। अरे डूम मरो। अरे बाबा साहब का नाम लेना छोड़ दो, माननीय काशीराम का नाम लेना छोड़ दो, जिन्होंने भूखे पेट रह के पैदल चल चल के, टूटी साइकिलों पे, फटे कपड़ों में चल के इस देश में बहुजन मूवमेंट खड़ा कर दिया, अपना हिस्सेदारी का दावा ठोकने में नाकाम हो गए। 35 करोड़ की लीडरशिप कहाँ है? तुम क्यों नहीं कह रहे उस 35 से 130 करोड़ में हम 35 करोड़ ना हिंदू है ना मुसलमान है? कहाँ है तुम्हारे लोग? हमारा अपना देश दे दो अछूतिस्तान, हम मांग कर रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र में नहीं रहेंगे ना मुस्लिम राष्ट्र में रहेंगे, या तो हम भारत में रहेंगे या अपना अलग देश लेंगे हम। ये राहुल गांधी हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता, भारत कभी नहीं बोलता, वो खुद हिंदुस्तान बनाना चाहता है। राहुल गांधी खुद मनुवादी है, उसके मुंह से कभी नहीं सुना भारत इंडिया कभी नहीं सुना, उसका भाषण सुनो वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है, वो सबसे बड़ा मनुवादी है। स्कूल प्रशासन ने उस हेडमास्टर को तुरंत बर्खास्त करके पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? पुलिस प्रशासन की, उसकी शिक्षा विभाग की या उसके स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि एक हेडमास्टर ने घटना कर दी और स्कूल बिल्कुल चुप बैठा है? तो सवाल इस बात का है कि उसकी डेथ तो हुई है कम से कम 22-23 दिन बाद हुई है। कुछ लोग तो खड़े हो गए कि अपना आप हुई है इनकी हत्या, प्रिंसिपल को नाजायज फंसाया जा रहा है। नहीं देखिए, ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है तो वहाँ के जो अपर कास्ट है दुखी है। देखो हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं सबके सबको लेकर के चलो, सब सारे समाज को लेके चलो, लेकिन जब अभी विकृति है, जातिवाद एक्सिस्ट कर रहा है, तो फिर पहले आपको SC ST को ताकत देनी चाहिए ना। आप दूसरों को भी लेके चल रहे हो। जब इस तरह की घटना हुई है, एक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसी नेता का बयान नहीं आया। प्रियंका राहुल गांधी मैं सबकी बात कर रहा हूँ। केजरीवाल कहाँ है? प्रियंका राहुल गांधी कहाँ पर है? और अपने ये वो कहाँ पर है? अमित शाह कहाँ पर है? हमारे मोदी जी ने कल लंबे लंबे भाषण दिए वहां पर, लाल किले पे वहां पर भाषण दिया आजादी का, एक बार भी इस घटना का, जो कि पूरी प्रेस का हिस्सा बन चुकी है, पूरे 23-13 तारीख से ही चल रहा है, तो उन्होंने एक बार भी SC ST के बारे में, इस घटना के बारे में एक बार भी मोदी जी नहीं बोला। अशोक जी आप आजाद हैं कि 75 साल मना रहे हैं देश आजादी का, आप हो आजाद भी? देखिए आजादी जो हमारी आजादी है वो बाबा साहब की जब लड़ाई हो रही थी, देखिए सवाल इस बात का है, जब बाबा साहब की महसूस करते हमने आपको आजाद? नहीं देखिए, इस देश की जो संवैधानिक आजादी है, उस आजादी को जो बाबा साहब ने संविधान में जो आजादी दी है उसको हम उसको मानते हैं कि वो आजादी है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। 50% जो आजादी उसको लागू करके मिलनी चाहिए थी हमें। आर्टिकल 14 पानी पिए नहीं मटके से, सर आप कह रहे अच्छे कपड़े पहनने। देखिए कंट्राडिक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो इस देश की मनुवादी सरकारों को 100% उस कानून को लागू करना था। अशोक गहलोत मनुवादी है? नहीं, बिल्कुल वो मनुवादी इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 17 उनको दिख नहीं रहा, आर्टिकल 14 उनको दिख नहीं रहा, आर्टिकल 15 उनको दिखाई नहीं दे रहा, आर्टिकल 21 दिखाई नहीं दे रहा, जिसमें कि समान शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए। जब तक इस देश का शिक्षा मॉडल एक जैसा नहीं होगा, संविधान के अनुरूप नहीं होगा, आपको बचा तो लो ना सर। सर बचाने की तो कवायत ये कि जो सरकार में आप नहीं जाओगे, जो SC ST अपनी सरकार में दखल नहीं देंगे। एक बहुजन समाज पार्टी हमारा एक मूवमेंट था, लेकिन आज उसको भी कमजोर कर दिया मनुवादियों ने। तो अगर SC ST का दखल नहीं होगा, SC ST के उसमें इस देश की सत्ता। गहलोत कह रहे मैं क्या कर सकता हूँ, गिरफ्तारी तो हो गई है, मैं क्या कर सकता हूँ? कोई करते तो मुख्यमंत्री की बात क्यों, रिजाइन दे दो। जैसे एक SC के कल विधायक ने, मैं सलूट करता हूँ उनको, उन मेघवाल जी ने, उन्होंने कल रिजाइन किया कि जब मैं विधायक होके अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकता, उनके लिए काम नहीं कर सकता, तो मुझे इस पद पे बने रहने का कोई हक नहीं। अगर मुख्यमंत्री अगर कुछ नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, अभी छोड़ देना चाहिए। दलित की जान इतनी सस्ती है, मटका छूने पे हत्या कर दी जाती है, अच्छे कपड़े पहनने पे हत्या कर दी जाती है। देखिए सस्ती नहीं है, हमारा मूवमेंट कमजोर है। सवाल इस बात का, जब हमारा मूवमेंट ताकतवर होगा तो इनकी औकात नहीं है कि हमारे किसी व्यक्ति को ये छूने की भी, छूना तो छोड़ो, देखने की भी उनकी तरफ वो कर सके। देखिए इसमें विरोधाभास है, इस देश में विरोधाभास है। जब तक इस देश में संविधान लागू नहीं होगा और उस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, जो संविधान न्याय देता है, स्वतंत्रता देता है, बराबरी समानता देता है, बंधुता देता है, उसको तोड़ के ये मनुवाद पे आधारित संविधान लाना चाहते हैं। कांग्रेस भी मनुवादी है 100%।
देखिए राहुल गांधी हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता, भारत कभी नहीं बोलता, वो खुद हिंदुस्तान बनाना चाहता है। राहुल गांधी खुद मनुवादी है, उसके मुंह से कभी नहीं सुना भारत इंडिया कभी नहीं सुना, उसका भाषण सुनो वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है, वो सबसे बड़ा मनुवादी है। अगर तुमने इस देश को भारत है ये इस देश के संविधान में, मैंने लिखा राहुल गांधी को कि आप हिंदुस्तान क्यों कह रहे हो भाई, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है, इंडिया है इस देश के संविधान में। तो खुद कांग्रेस का राहुल गांधी को राजस्थान नहीं जाना चाहिए, हाथरस तो जाते हैं वो। नहीं नहीं जाना चाहिए था, और उसके उनका जो अशोक गहलोत है उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए था। और जब उनका उनका जो अध्यक्ष है जब वो कह रहा है कि भैया हिंदुस्तान बनाएगा, तो दूसरे जो लोग हैं जो भारत कह रहे हैं और वो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये सब मिले हुए हैं आपस में, ये हमारे हमें खुद खड़ा। कोई दलित मारा जाता है तो 2,50,000 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, अगर कोई दूसरा आदमी मारा जाता है 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलता है, सरकारी नौकरियां मिलती हैं। देखिए वो भी इसलिए देते हैं क्योंकि जो जो हमारा SC ST आयोग है उसकी गाइडलाइंस है कि अगर किसी मनुवादी के हाथों कोई अगर नहीं सुनिए वो भी वो 5 लाख भी इसलिए दे रहे, वो 5 भी नहीं 8,25,000 है जो हमने लिखा, क्योंकि 8,25,000 गाइडलाइंस है ये नेशनल सभा उसकी अनुसूचित जाति आयोग की, इसलिए देते हैं। अगर वो गाइडलाइन नहीं होती तो वो भी नहीं देते ये। और ये अपने लोगों को घर जा जा करके, जो एक चोर था NDMC का, एक खान जो पकड़ा गया था इंजीनियर चोरी में, उसको उसको किसी ने मार दिया तो 1 करोड़ उसके घर, उसकी बच्चियों को नौकरी, उसको बढ़िया फ्लैट। और हमारा आदमी जब कोरोना में भी मारा जाता सेवा करते हुए तो उसको 1 करोड़ रुपए कह के भी नहीं देते। तो इसी तरीके से मनुवादियों की विचारधारा सोचो, और हमारे लोगों को इन मनुवादी नेतृत्व वाले राजनीतिक संगठनों का सामाजिक संगठनों का बहिष्कार करके एक प्लेटफार्म पे आना होगा, इस देश की राजनीति में दखल पेश करना होगा, अपना इंडिपेंडेंट SC ST का दखल पेश करना होगा, अपनी शक्ति दिखानी होगी, तभी तुम बच सकते हो, तभी तुम्हें न्याय मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। सोच आप कह रहे हैं, लेकिन यही लोग तो वोट करते हैं इन लोगों को, मनुवादियों को। देखिए हमारा जब तक आपका कोई प्लेटफार्म मिशन नहीं होगा तो उनकी मजबूरी है, डेमोक्रेसी में कहीं तो करेंगे। आप बताओ ना SC ST के कितने राजनीतिक विकल्प खड़े हैं, अगर है भी तो उत्तर प्रदेश में एक है, वो पूरे देश में नहीं है, पूरे देश राष्ट्रव्यापी। मुझे बताओ कि जब जब चुनाव आते हैं कितने आपके दलित संगठन चुनाव लड़ते हैं, कितना आपका वो दावा ठोकते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा बनेगा, या किसी राज्य में चुनाव हो तो कितनी सीटों पे लड़ते हैं। जब आपका विकल्प नहीं होगा आपकी जनता के पास, तो मजबूरी में किसी दूसरे को वोट देंगे, तो जनता का कसूर नहीं है, इस देश के पढ़े लिखे लोगों का कसूर है। जो बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, आज भी इस देश के पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर बन के, वकील बन के, इंजीनियर बन के, IAS ऑफिसर बन के, वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए कि तुम्हें राजनीतिक विकल्प भी देना है। इस देश की महान जनता जो SC ST जनता है उसको भी राजनीतिक विकल्प देना है। बताइए कहाँ है, बताइए कहाँ है। एक उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी इस स्थिति में है कि मुख्यमंत्री बन सकती हैं अपने बल पे, लेकिन किसी और राज्य में BSP इतनी मजबूत नहीं है, और वहाँ पर भी दूसरे एक रीजन हो सकता है कि राजनीतिक कमजोरी है आपकी, लेकिन संविधान तो सबको बराबरी का हक देता है ना सर। तो संविधान लागू कौन करेगा, लागू करने वाले तो मनुवादी बिठा दिया आपने, वो तो सारे बरमे सर में बनिए सड़ी। कल मैं देख रहा था, जब परसों रात को 23 तारीख को मैंने चिट्ठी लिखी, मुझे पता चला रात को 11 बजे चिट्ठी लिखी, जब मैंने निकाल के देखा तो वहाँ का SP वो अग्रवाल, और जब मैंने देखा उसका कलेक्टर वो गोयल, अरे सारे गोयल अग्रवाल पंडर ठाकुर यही हैं, तुम्हारी सुनेगा कौन, कौन तुम्हारी सुनेगा, तुम क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं इस देश की राजनीति में दखल देते, क्यों इन पार्टियों के पीछे लगे हो। 35 करोड़ लोग, जब तक तुम्हारा राजनीतिक विकल्प नहीं होगा तुम्हें इसी तरह धक्के खाओगे, तुम्हारा समाज पिटेगा। जैसे श्रीकांत त्यागी है, उन्होंने महिला के साथ अभद्र टिप्पणी की, उनको धक्का मुक्की की, उनके समाज के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में। हाँ तो कर रहे हैं ना, नहीं तो आपके लोग कहाँ हैं, आप 35 करोड़ भाई, 10 लाख संगठन है आपके, 10 लाख संगठन में एक एक अध्यक्ष भी आ जाए तो 10 लाख लोग खड़े होते हैं, कहाँ है वो 10 लाख लोग, क्यों, क्योंकि वो उन पार्टियों की चाटुकारिता कर रहे हैं। आपने देखा जब चुनाव आते हैं तो हमारे SC ST OBC के कोई उन पार्टियों के पीछे जाते हैं गठबंधन करने या टिकट मांगने, जो पार्टी जीतने वाली होती है। अरे भाई बाबा साहब की तरह, माननीय काशीराम की तरह, कब मूवमेंट शुरू करोगे, कब तुम गली गली धक्के खा करके नंगे पैर जाके अपने लोगों को जगाओगे। देखो हमारे लोगों के दिमाग में क्या है, बिना करोड़ों रुपए के राजनीति नहीं होती, अरे डूम मरो, अरे बाबा साहब का नाम लेना छोड़ दो, माननीय काशीराम का नाम लेना छोड़ दो, जिन्होंने भूखे पेट रह के पैदल चल चल के टूटी साइकिलों पे फटे कपड़ों में चल के इस देश में बहुजन मूवमेंट खड़ा कर दिया, SC ST को अधिकार दे दिए। हमारे अपने SC ST के राजनेता जो लीडर हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने समाज से छल कर रहे हैं, उनका राजनीतिक स्वार्थ है कि किसी पार्टी
पार्टी में, उनको एक टिकट मिल जाए और खुद विधायक मंत्री बन जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। रोज पिट रहे हैं, अभी बुदाइयों में पिटे 200 लोग, परसों बुदाइयों में उनको उनको लाश नहीं जलाने दी, जो कह रहे थे चुनाव में कि वो शमशान और ये कब्रिस्तान, उस शमशान में, वो तुम्हारे शमशान में हमारी चिता क्यों नहीं जलती भाई? मुझे बताओ हम कैसे हिंदू हैं, हमारी चिता कब जलेगी उसमें? तो हमारे लोग उसको सुन के शमशान और कब्रिस्तान, हमारे लोग शमशान वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, मगर तुम्हें नहीं पता उस शमशान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कहते कि ये आगे बढ़ेंगे तो देश 130 कदम आगे बढ़ेगा। देखिए देखिए ये इनकी साजिश है। जब देश का देखिए, जब 15-14 अगस्त जब आया, जब देश का बंटवारा हुआ, तो इन्होंने एक पाकिस्तान बना दिया और एक हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा मेरा अछूतिस्तान मुझे दे दो, तो इसलिए वो हिंदुस्तान बनते बनते बच गया और वो भारत बन गया, क्योंकि बाबा साहब ने दखल दे दी। लेकिन आज ये फिर दोबारा 135 करोड़ को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। इस देश के जो SC ST के नेता हैं, वो अपना तीसरा विकल्प देने में, अपना हिस्सेदारी का दावा ठोकने में नाकाम हो गए। 35 करोड़ की लीडरशिप कहाँ है? तुम क्यों नहीं कह रहे उस 130 करोड़ में हम 35 करोड़ ना हिंदू है ना मुसलमान है? कहाँ है तुम्हारे लोग, ये बोलने वाले, दावा देने वाले कहाँ अम्बेडकर? अभी आज जो लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग करें तो फिर आपकी जगह कहाँ होगी? हमारी अछूतिस्तान हम मांग करेंगे, ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, खुले में इन्होंने हिंदू एक संविधान दे दिया, हम अछूतिस्तान मांगेंगे, 35 करोड़ का अलग देश, हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हमारा देश दो जो बाबा साहब ने कहा था, हमारा अपना देश दे दो अछूतिस्तान, हम मांग कर रहे हैं। और इसके लिए मांग करेंगे हम अलग हैं, या तो हमारे अधिकार दे दो या हमारा अलग देश दे दो, हम हिंदू राष्ट्र में नहीं रहेंगे ना मुस्लिम राष्ट्र में रहेंगे, या तो हम भारत में रहेंगे या अपना अलग देश लेंगे हम।